तो हमें इंटरनली सियासत को भी इम्प्रूव होना होगा ताकि हम लोगों को डिलीवर कर सके, ना कि इसी तरह ही मजीद इजाफ़ कर। जी मैडम जी, आपने बात की थी कि हमें अपने माशी हालात को बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट बट मैं देखती हूँ कि किसी ने सर्फ भी बेचनी हो तो उसकी मार्केटिंग करते हैं। हमारे लीडर हो, अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, वो सब एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरे कहते हैं, तो कोई बिजनेस करने यहाँ क्यों आएगा? वॉट इज़ द वे टू आप अपने आप को बाहर कैसे प्रमोट करें, अपना सॉफ्ट इमेज कैसे बनाएं, जब आपके जो बाइख्तियार लोग हैं वो आपका ये इमेज बिल्ड कर रहे हैं। यहूदियों के लिए हम कहते हैं कि वो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जापानी हुए हैं, हमारा नेशनल कैरेक्टर आप क्या पोर्ट्रेट कर रहे हैं? वट एवर इट इज़, रियालिटी और परसेप्शन माइट बी डिफरेंट। सेकेंडली, आपने बात की कि असेंबलीज और इन सब की बहुत ज़रूरत है, मगर आई एम नॉट अ वेरी पढ़ी लिखी खातून, तो मेरे जहन में आ रहा था कि हमारे मुल्क में मज़ारे ज़्यादा हैं या ज़िम्मेदार, इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा हैं या मजदूर, असेंबली में कौन बैठा हुआ है, हाउ आर दे आवर रिप्रेजेंटेटिव्स? वो अपने फ़ायदे की बात करेंगे, हमारे फ़ायदे की बात क्यों करेंगे? और जो सबसे बड़ी बात, आप लोगों को इकॉनमी में फ़र्क लग रहा है, उसमें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा फ़र्क मॉरल कैरेक्टर में आया है। कैरेक्टर बिल्डिंग पर कोई बात नहीं करता, आप जितने मर्जी सिस्टम बदल लें, जब तक यू डोंट चेंज द माइंड बिहाइंड द सिस्टम, कुछ नहीं हो सकता। और उसमें हमने, और उसमें कहने से कुछ नहीं होगा, बच्चे समझदार हैं, आप उसको कहें सच बोलो, ईमानदारी पे चलो, वो देखता है जो बेईमानी कर रहा है वो डाले में जा रहा है, वो क्यों करेगा? तो ये सोसाइटी हैज़ टू अप्रिशिएट। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, गरीब लोगों की भी इज्जत थी, एहतराम था, नाउ आई डोंट सी दैट। तो जब तक माशरा उन वैल्यूज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा जो अच्छी हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, और कोई बिजनेस, कोई मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। बार बार ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र किया लोगों ने, इत्तफाक से मुझे वहाँ रहने का मौका मिला, तो द बिग डिफरेंस विच आई फील इज़ कि उनके यहाँ इतनी डिस्पैरिटी नहीं है, उनका नेशनलिज्म इज़ वे हायर देन अस, और वो उसको अपने हीरोज़ को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है और उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम अपने मुल्क में किसी को हीरो रहने ही नहीं देते, उसको टांग खींच के नीचे लाओ, उसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है, थोड़ी सी तारीफ करना भी सीखी मेरे ख्याल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर इंटरवेंशन। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, वजाहत अली, आई रिसेंटली कम्प्लीटेड माई एमफिल फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी। मेरा प्लीज क्वेश्चन है ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर से, जैसे आपने फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, तो अभी जिस तरह अभी पाकिस्तान में जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने बात की थी अपने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में जी इकोनॉमिक्स की, तो अब ठीक है जो प्रॉब्लम्स रहे वो तो प्रॉब्लम्स थे, आपने कहा जैसे अब हमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज और सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, तो एज अ यंगस्टर आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे, बिकॉज वी हैव अ 30 to 40 ईयर्स लाइफ, तो उसके लिए प्लीज़ क्या आप सजेशन करेंगे ताकि हम पीसफुली उस चीज़ की तरफ जा सकें? थैंक यू। बेटा थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा दोहरा दो, फिर समझेंगे, मैं भी नहीं समझा, थोड़ा सा माइक को और करीब कर लेंगे। एक्चुअली इट्स अबाउट जी, उसमें ये था जैसे आपने फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बात की ना, कि बिकॉज के हम लोग अब जिस तरह हर साइड से क्लोज हो चुके हैं, तो लास्ट गवर्नमेंट ने बात की थी जियो इकोनॉमिक्स की, तो अब आप हमें किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि उस चीज़ की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि अगर लड़ाई रहेगी तो उसमें तो कोई सोल्यूशन ही नहीं। सवाल आ गया, ठीक, थैंक यू। किस तरह पाकिस्तान जाना चाहिए सर, आप सवाल आपका कि वेयर शुड पाकिस्तान गो सो दैट यू नो दीज गाइस कैन हैव अ गुड लाइफ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको इंटरनेशनल ट्रेड, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फिर लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट मुल्क में होगी तो काम आगे चलेगा। अब आपका अपना इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो उनसे कैसे करेंगे? आपको माहौल क्रिएट करना पड़ता है, आपको ताल्लुकात क्रिएट करने पड़ते हैं, जुडिशियल निज़ाम होना चाहिए जो प्रोटेक्शन दे सके इन्वेस्टर को। ये मैंने इसीलिए कहा सब चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जी इफ्तिखार बोरा, और मैं कराची की बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है। मैंने आपके वहाँ के सेमिनार में भी शिरकत की थी और यहाँ भी मैंने आज देखा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क था, वो मैं आपने थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। कराची की जो आपकी जो थी जो इवेंट, उसमें बहुत ज़्यादा कराची की सिविल सोसाइटी ने बड़ी शिरकत की थी, और मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं लाहौर को इतना लोगों को पहचानता नहीं, मुझे लेकिन लग रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि शायद इतनी सिविल सोसाइटी आज यहाँ नहीं मौजूद है जितनी होनी चाहिए थी, मेरा एक पहला कमेंट है। दूसरा सवाल है, सवाल ये है कि जी जो मैंने आपको वहाँ भी सुना और यहाँ भी मैं सुन रहा हूँ,
बड़ी अच्छी तल्ख व शीरी सारी बातें होती हैं और काफ़ी लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है, तो आप जो ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान है इसका फ्यूचर क्या आप हमें बताएं कि आपका असल तो नहीं, मतलब आपकी जो नीयत तो हमें नज़र आ रही है कि आप पाकिस्तान में बेहतरी चाहते हैं, तो क्या आपका कोई ऐसा क्या इरादा के आगे, तो थोड़ा सा आप हमें गाइड करें ताकि हम भी देखें। एक पोटेंशियल तो है कि जितनी भी सियासी जमातों के कुछ अच्छे लोग आगे बढ़ के कुछ देखें, क्योंकि आप जो मौजूदा जमातें हैं उनसे आवाम बहुत मायूस है, और लास्ट रिजॉर्ट कह लें कि जो भी इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो एक सामने है, अजहर में शम्स है, तो मुझे आप ये थोड़ा सा बताएं कि हमें अच्छे लोग चाहिए, जो एक पोटेंशियल जो एक गैप है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो आगे बढ़े और हमें गाइड भी करें, तो हम उनका डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। थैंक यू बड़ा साहब, आपका सवाल आ गया जी। मुस्तफा आप जवाब देंगे, खुद सवाल दो मुस्तफा आप जवाब दें कि आपका क्या इरादा है। जी ऑफ कोर्स देखिए अभी इस वक्त तो इतना हमारी इंटेंशन क्लियर है कि एटलीस्ट लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है, जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को अप्रिशिएट करना है कि वो तो एटलीस्ट हो। आप अपना मीडिया उठाकर देखेंगे सुबह से शाम तक उसके ऊपर आपको सिर्फ लड़ाई और झगड़ा और एक दूसरे को गाली देना नजर आएगा, इसके अलावा कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रही। जो बयानिया है उसको मुंतकिल होना है लोगों के इश्यूज की जानेब, लोगों की रोजमर्रा मुश्किलात की जानेब। और अब हम कल हम शाम में लाहौर में थे, अभी हम मैं वैसे रात को सोच रहा था कि बैठ के कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग इंसान करता है तो देखता रहता है चीज़ों को, अचानक एक दोस्त का फोन आया, आपने टीवी देखा, मैंने कहा क्या हुआ, कहते बस पिछले दो घंटे से चल रहा है जो परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर पुलिस ने धावा बोल दिया और गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और ये हो गया वो हो गया। मैं कहा दो घंटे से चल रहा है। द पॉइंट इज कि हम कितने उलझ गए हैं अपनी इस आपस की लड़ाइयों के अंदर कि हम बिल्कुल ही उस सियासत का जो असल मकसद है उससे दूर हो गए। अब जो सॉल्यूशंस हम बैठ के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम अकले कुल नहीं हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें दौराने गुफ्तगू लोगों से मिलने मिलाने से इकोनॉमिस्ट से अंदाज़ा होता है, उनके जवाब हमें मिलते हैं, लेकिन कितना मुश्किल है उनको अडॉप्ट करना। अगर इन चीज़ों से तवज्जो हटेगी तो अडॉप्ट करेंगे। तो हमारा इरादा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर अवेयरनेस पैदा कर दी जाए, और बाकी आगे जो सियासी सफ़र है वो हम सारे मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। क्वेश्चन करेंगे हमारे ऊपर साहब, ये बात सवाल किया है कि आप किधर लेके जा रहे हैं इमेजिनिंग। बात ये है ना कि जिस तरह भी हमारे स्टूडेंट ने अभी खारजा पॉलिसी के बारे में कहा, बात यह है कि हमारा री इमेजमेंट का पहला ये है कि अवाम का गवर्नमेंट हो, इसमें जब तक अवामी खारजा पॉलिसी नहीं होगा ना हम अपने आप को व्यवसाय ममालिक से कोई ताल्लुकात रख सकते हैं। अगर हमारे अवामी नुमाइंदों के हाथ में खारजा पॉलिसी होता, अभी आप देखिए हमारा व्यवसाय ममालिक ईरान है, 50 साल से सऊदी अरब के वजह से हमने ईरान से कोई ताल्लुकात नहीं बना सकते, गुज़श्ता 10-12 साल से 1000 मेगावाट बिजली सस्ता दामों ने उन्होंने बॉर्डर दफ्तर तक पहुँचा है, गैस पाइपलाइन पहुँचा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अवाम के हाथ में खारजा पॉलिसी, अवामी नुमाइंदों की हमारे इस्टेब्लिशमेंट में हाथ में खारजा पॉलिसी है, उनके दूसरे मफादात हैं, उनके मफादात तालिबान हैं, उनके मफादात मुजाहिदीन हैं, उनके मफादात जो भी है आज पाकिस्तान इस हाल में है। सऊदी अरब ने अपने ताल्लुकात उनसे बना दिए, वो अपने एम्बेसीज खोल रहे हैं, वो अपने बिजनेस तक हैं, पाकिस्तान तक कुछ पूछा तक नहीं, जो हमारे इसी तरह हमसाय ममालिक है, इसी तरह भारत हमारा हमसाय ममालिक है, हमें एक दूसरे से फ़ायदा उठाना है। 75 साल से पाकिस्तान का अवाम को बेवकूफ़ बनाते गए, मुजाहिदी बनाते गए, मकबूजा कश्मीर उसका क्या हाल हुआ किसी को पता ही नहीं, खामोशी से दे दिया गया, एक स्टेटमेंट के वहाँ हो गया। तो हमारा री अरेंजमेंट का यही है कि अवाम अपना ताकत समझे, चंद जो इस्टेब्लिशमेंट या कहें या जो भी कहें जो पाकिस्तान के सवाल तक लाए हैं वो चंद अफराद हैं, ठीक है ना, फौज भी हमसे पाकिस्तान से है, वो भी हमारी पाकिस्तानी है, लेकिन उनको चेक इन बैलेंस ना आज तक किया गया, ना उनका इंतसाब किया गया, ना उनसे कोई पूछ सका,
ہیز اے میرٹ ری امیجمنٹ یہی ہے کہ جو حقیقت ہے ہم لوگ عوام باقاعدہ پاکستان کے عوام کے سامنے اپنا یہ میسج دیں کہ جب تک حقیقت میرٹ پر متحد متفق نہیں ہوگے اور اس طرح در پدری ہوگا تھینک یو جی میں کون میرا کوشچن جی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں اتنے اینکرس ہیں ماشاء اللہ صبح سے لے کے شام تک وہ بولتے ہیں بڑے بڑے اینکرس حامد میر ٹائپ اور لوگ ہیں بہت سارے جن نام میں نہیں لوں گا کبھی کسی نے یہ بات کی کیا کہ پاکستان میں غربت جو ہے وہ کہاں پہ ٹھہری ہوئی ہے 25,000 روپے ایک مزدور کی تنخواہ ہے یہاں پہ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ 60% لوگ جو ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جاب کرتے ہیں ان کی تنخواہیں 25,000 روپے سے اوپر نہیں ہیں وہ پاور کے منسٹر رہے ہیں انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ 1922 میں 2022 میں جو گیس کا ریٹ تھا وہ 1100 روپے ایم ایم بی ٹی یو تھا ناؤ دیٹ ہیو بین اسٹینڈ آن 3000 ایم ایم بی ٹی یو 2023 میں ہی انیشیل پہ جو بجلی کا ریٹ تھا جو آپ بجلی پرووائڈ کر رہے تھے انڈسٹری کو وہ آپ دے رہے تھے 23 روپے پر یونٹ میں اب وہ آپ دے رہے ہیں 45 روپیز پر یونٹ میں کیا آج تک بما آپ کے آپ ماشاء اللہ فائننس منسٹر وہ بڑے بڑے لوگ سب کے سب یہاں بیٹھے ہوئے یہ سب کے سب چینل کے جو اینکرز ہیں آج تک کبھی کسی نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ 60% جو مطلب لوگ جو ہیں ملک کے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بدولت رزق کماتے ہیں 25,000 روپے تنخواہ اتنا ریٹ آپ نے اپ کر دیا 1 کروڑ روپیہ آپ سبسڈی دیا کرتے تھے ایکسپورٹ یونٹ کو وہ بھی آپ نے بند کر دی لوگ جو ہیں نا وہ اور انڈسٹری میں 500,000 لوگوں کو نکالا جا چکا ہے دے ہیو بین شٹ آؤٹ انڈسٹری جو 24 گھنٹے چلتی تھی 1,00,000 میٹر کپڑا بناتی تھی اور وہ اب چلی گئی ہے 25,000 میٹر پہ مجھے بتائیں اس کے ذمہ دار کون تھے آپ یہ مطلب جو ہیں جتنے بھی لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ کم از کم غربت کے بھی جو ہے نا وہ آواز اٹھا لیا کریں غربت کی بھی کوئی اینکر جو ہے نا بات کر لیا کریں نمبر تو بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میرا تعلق لاہور سے ہے میرا نام سیف خان ہے میں آج سے 20 سال پہلے میری پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ میں وہاں پہ میری ملاقات ہو گئی نواب زادہ لشکری ریسانی سے میں پنجابی آدمی وہ بلوچ یکر صاحب جو ہیں یہ بھی بلوچ لیکن انہوں نے مجھے اتنی محبت اتنی اس سے مطلب اپنے پاس رکھا پنجابی بھی چاہا عزت دی مجھے یہ پنجابیوں سے نفرت کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ پیار کرنے والے ہیں مطلب آپ لوگ لیکن جو میں پنجابی ہوں آئین کا پنجابی میں ان کے پاؤں تک جو نا وہ اب ماشاء اللہ میں پراؤڈلی یہ بات مطلب بار کہتا ہوں کہ میں دبا دباتا ہوں دبانے کے لیے تیار بیکاز ہی لو ود دی پنجاب کے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے میں اتنی محبت اور اتنی عزت پیدا کریں اتنی محبتیں جو نا وہ بانٹیں تو لوگ ان کی بھی عقیدت اور عزت کریں تھینک یو شکریہ اس میں میں خاصہ یہ اتنی سی گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ جو آپ نے سوال پہلا والا دوسرا میں آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حاجی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں میر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں بہت محبتیں بانٹی ہیں لیکن میں ایسے بتاؤں کہ دو پنجابی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور بڑی محبتیں بانٹتے ہیں سندھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے سو سارے لوگ اچھے ہیں اور میں تو میمن ہوں تو اس میں تو تالیاں بجانی چاہیے اصل جو تھوڑا سا میں آپ سے ڈس اگری کروں گا اگر معذرت کے ساتھ جو آپ نے بات کری کہ 25,000 روپے تنخواہ ہے منیمم ویج اور میرے خیال سے اور میں خود بھی انڈسٹری ہوں سے کہ منیمم ویج بڑھا دینی چاہیے اور میں یہ بھی کہتا ہوں یہاں پہ کہ
पाकिस्तान में जो निज़ाम है कि 90 दिन अगर आप लगातार काम करें तो फिर आप परमानेंट होते हैं, ये निज़ाम भी गलत है क्योंकि लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखते हैं, 89 डेज़ पे निकाल देते हैं। हमको ये भी कर देना चाहिए कि 90 डेज़ अगर एक साल में या 6 महीने में किसी ने काम कराओ तो तसव्वुर करें कि वो परमानेंट एम्प्लॉई है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कर दें कि अगर कोई काम नहीं करता हो तो उसको फायर करने का भी पॉसिबिलिटी है, चलो 2 मंथ्स ऑफ एवरी ईयर वर्ड कुछ सेवरेंस में देके फायर भी करें, लेकिन इसके निज़ाम को ठीक कर रहे हैं क्योंकि 25,000 रुपये भी लोगों को नहीं मिलते। लेकिन अगर हम उन लोगों गरीब लोगों को सब्सिडी देने चाहते हैं ना, तो ये नहीं है कि वो बड़े बड़े मियाँ साहिबान को हम पहले सब्सिडी दें सस्ता पेट्रोल सस्ती गैस ताकि वो टेक्सटाइल मिल वाला जो है ओनर वो जाके अपने वर्कर को तनख्वाह वो वर्कर को दे आता। इससे बेहतर ये कि अगर आप सब्सिडी दे दी तो डायरेक्ट सब्सिडी दे दें उस गरीब को। ये हम बार बार करते हैं, हम फर्टिलाइजर को सस्ती गैस देते हैं इस चक्कर में कि फार्मर को सस्ती खाद मिले। भाई फार्मर को सस्ती खाद डायरेक्ट दे दो, फर्टिलाइजर को बीच में इंटरवेंशन लाने की क्या जरूरत है। तो जितनी मरतबा हमने इंटरमीडिएट का नाम लेते हैं सच्ची बात है, लेकिन असल बेनिफिशियरी तो वही होते हैं सेठ साहिबान जो जिनको डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है। तो एक ये इंटरवेंशन करनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं नाम वजीर है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। तो आप लोग ने जो ये मैं एक सेकंड लास्ट टू क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके बाद एक और सवाल और लाइक आई सेड कि हमने चाय वगैरह का इंतजाम किया हुआ इसके जी जी आप सवाल कर लो। हाँ ये दो थोड़ी है तो 9-10 हैं। चलो बेटा सवाल करो अब चलिए नहीं करो चलिए। सर आपने ये जो सेमिनार का आवाज़ अच्छी चीज़ है सर। तो मेरा सवाल ये है सर जैसे कि यहाँ पे बेटा माइक को करीब करो। बलूचिस्तान से हमारे रिप्रेजेंटेटिव है सर और फाटा से भी है। तो मेरा सवाल ये है सर कि जीवी से कोई क्यों आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं यहाँ पे नहीं है सर, हालांकि जुर्म तो वहाँ पे हो रहा है सर, वहाँ उस प्रोविंस को वहाँ पे हक नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए आप थैंक यू बेटा गुड क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। एक सवाल और सवाल ले लो सवाल ले लो जी पूछो। I will make a comment followed by 2 questions from farmer. एक सवाल पूछते हैं अब देखो टाइम हो गया एक सवाल पूछ लो। मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है वेरी शॉर्ट कि आप तमाम लोग भी ये कबूल करते हैं ये बात तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा इशू है जी। लेकिन जब आप लोगों की गवर्नमेंट थी तो आप लोगों ने तब भी स्टूडेंट यूनियंस पर जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैन है उसको अनबैन नहीं किया। जब आप लोग स्टूडेंट यूनियंस को अनबैन नहीं करेंगे तो जो यूनिवर्सिटीज जो कि डेमोक्रेसी की नर्सरियां हैं वहां से नई लीडरशिप कैसे तैयार होगी। सवाल आ गया बेटा एक सवाल और काइंडली इसका जवाब दीजिए। एक सवाल और पूछ लो खत्म करो ये आखिरी सवाल है बेटा। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं क्या नाम बेटा? मेरा नाम मोहम्मद अली है। उमर अली मोहम्मद अली मोहम्मद अली जी। मैं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल देखना चाहता हूं बल्कि हर बंदा ही देखना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इतना हजारों तालिब इल्म मैं जो ये जवाब सुनना चाह रहे हैं कि हम थोड़ी स्पीड कम कर दे क्वेश्चन की रफ्तार कम कर दो वर्ड मेरी तरह हजारों तालिब इल्म हैं जो ये जवाब सुनना चाह रहे हैं कि हम वो कौन से स्टेप्स हैं जो तालिब इल्म वो स्टेप्स उठा सकते हैं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल देखने के लिए और हम अपने तौर पे क्या क्या कर सकते हैं। मैं अब सबसे पहले मैं मोहम्मद अली के सवाल का जवाब दूँ तो तुम्हारा सवाल भी नीचे दे दूँ। आई थिंक टाइम हो चुका है भाई मेरी बात हैं टाइम हो चुका है बेटा टाइम। अच्छा ये आखिरी आखिरी कोई चीज़ नहीं होती। मोहम्मद अली का सवाल का जवाब ये है और मोहम्मद अली ये सब तुम लोग सुनो कि पाकिस्तान को अगर तुम लोग अच्छा देखना चाहते हो ना तो खुद मेहनत से पढ़ लो। अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे और आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे ये ऐसा क्या कर रहे हो ठीक है। अगर 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 आप लोग क्वालिफाई कर लोगे आप लोग अच्छा आगे बढ़ जाओगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जो मैंने आपसे कहा है कि पाकिस्तान लोगों का है लोग आगे आ जाएंगे तो पाकिस्तान आगे आ जाएगा। जो गिलगित बल्तिस्तान का सवाल है वो ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम गिलगित बल्तिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी रखेंगे और स्टूडेंट यूनियन का सवाल मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जवाब देंगे ये आखिरी जवाब होगा। हाँ स्टूडेंट स्टूडेंट यूनियन के ऊपर देखिए स्टूडेंट यूनियन ऑफ कोर्स होनी चाहिए चलो ये इस बच्चे से सवाल ले लो यार ये 100 रुपये देने के लिए भी तैयार है तो देने के तैयार हो ना 100 रुपये ले आओ मैं अबे पूछ ले ऐसे पूछ ले यार
सवाल आ गया, अच्छा था आ गया सवाल आ गया ना, 100 रुपए में कितने सवाल, बस हो गया ना बेटा। देखिए ये बात बहुत दुरुस्त हमारे छोटे भाई ने करी है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है और बहुत ज़्यादा गुर्बत है, और जो सैफ खान ने भी बात की कि 7.5 करोड़ लोग से बढ़ के 8.5 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं, इस चीज़ का हम सबको इल्म है और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि बेहतरी आएगी। हम जो ये बातें कर रहे हैं जगह जगह शहर शहर जा कर रहे हैं, हमने अल्लाह की मेहरबानी से पहले हाजी साहब ने हमें क्वेटा में होस्ट किया, उसके बाद फिर हम होती साहब के पास पेशावर गए, फिर हम कराची गए, आज लाहौर आए, इंशाल्लाह ताला हमको सरगोधा फैसलाबाद और गुजरावाला से भी दावत है, मुल्तान से भी दावत है, इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद भी जाएंगे। तो हम हर जगह जगह जाके ये अपना पैगाम लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम फरसुदा हो चुका है, इसको बदलो ताकि इस कौम के बच्चे जिनको हमने तालीम से दूर रखा है, जिनको हमने सेहत से दूर रखा है, उनको सेहत मिल सके, तालीम मिल सके, और पाकिस्तान में हम जहालत से भी आज़ादी दिलाएं, लोगों को भूख से भी दिलाएं और प्यास से दिलाएं। बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप उठाइए जिसको सवाल पूछना हो। जी जी मैं जी 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 मैं आ रहा हूँ, सब पे मैं देख लूँगा हूँ आपके, उसके बाद मैं आ रहा हूँ सर, मैं माइक भिजवाऊँगा, मैं माइक भिजवाऊँगा बेटा, जरा सामने बीच में आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ ताकि कैमरों को बीच में ना करो। अच्छा आप अभी बैठे, एक मिनट में आपको बुलाता हूँ, एक मिनट आप इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये हमारी बहन के पास आ जाओ, ये जो बहन खड़ी है इसके पास आ जाओ जी, सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर, सर माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल अफजल, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का ग्रेजुएट हूँ। हमारे साथ ये सबसे बड़ा अलमिया हुआ कि आपने पीएमडीसी को डिसॉल्व कर दिया। पीएमडीसी को डिसॉल्व करने के बाद आपने एक रात में कासिम अली सूरी ने वो साइन किए और एक रात में वो कानून बनाने की पीएमसी बन गई है। तो इस तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को एक लेसन मिल गया कि वो आगे आए और आकर अपना चलाए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आपने सेहत इंसाफ कार्ड पे ऐसे ऐसे हमने देखे ऑपरेशन या इलाज होते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो के यहाँ पर वो लाखों रुपये बटोरना शुरू हो गए और हमें पता नहीं चल रहा कि वो पैसे कहाँ गए। और बस बड़ा स्पेसिफिक सवाल कर दिया है, 70,000 पाकिस्तानी डॉक्टर से ज़्यादा अमरीका में काम कर रहे हैं। आप जब तक इस मुल्क में एक यूनिफाइड एडमिशन टेस्ट नहीं बनाएंगे और आपके एग्ज़ाम यूनिफाइड नहीं होंगे, आपकी एजुकेशन का निज़ाम, स्पेशली मेडिकल का निज़ाम नीचे जाएगा। इस बात को महसूस करें, पीएमडीसी बने ना बने मुझे उसका इल्म नहीं है क्या उसकी वजूहत हैं, ये दो चीज़ें उस निज़ाम में होनी चाहिए। जब यह कानून बन रहा था उनके पास चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा सवाल जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से है। अभी आप यहाँ पे एक छोटा सा मुजाकरा हुआ, आपने इलेक्शन के डिले की उसमें तमाम जिम्मेवारी जुडिशरी पे डाली। आपने किसी ने भी ये बात नहीं की कि सूबाई हुकूमत जो केयर टेकर हुकूमत है और फेडरल गवर्नमेंट जो इलेक्शन से भाग गई, आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, आपने सारा मनपा जज साहब पे डाल दिया। भाई जज गरीब ने तो यही कहा है 90 दिन में करवाएं, अगर वो कोई बैंक सारा बन जाए, फुल बने, एक बने, 90 दिन की बात है। आपने किसी ने भी ना केयर टेकर गवर्नमेंट की बात की, ना इलेक्शन कमीशन की बदयंती की बात की, ना फेडरल गवर्नमेंट की बुजदिली की बात की। तेरह पार्टियाँ कभी हैं और एक जूनियर जो कल आ रहा है पॉलिटिशियन, उससे आप भाग गए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने मतलब है, आप
कोई सच सच बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई हम डर गए हैं इलेक्शन से। भाई आप इलेक्शन लड़ें, कहाँ लिखा है कि आप जीतेंगे तो फिर लड़ेंगे। थैंक यू सर, आपका सवाल आ गया। जी जी सर, सर आपका सवाल। मेरे भाई ना हम या किसी बड़े कार में तनकीद कर रहे हैं सर, करीब आ जाइए माइक हुकूमत के। हम या लोग सर माइक के करीब आ जाइए, ठीक है। आप हुकूमत से इतराज़ है उधर बात करें, जो जुडिशरी कर रही है वो भी गलत है, जो हुकूमत कर रही है वो भी गलत है। दो बहस नहीं आएगी सर, ये बहस नहीं हो रही सर। क्वेश्चन आंसर सर, आपने सवाल कर लिया, क्वेश्चन आंसर सर। आपने बात कर, सर आपने बात कर ली ना, वो जवाब दे रहे हैं। अब आप जवाब सुन लीजिए सर, वो जवाब दे रहे हैं ना, आप जवाब देने देना उनसे। ये बहस नहीं हो रही सर, क्वेश्चन आंसर हो रहा है सर। वो सर वो जवाब दे रहे हैं, आप जवाब देने देना उनसे। दोनों में लाए फिर बता दूंगा हैं। अभी मैं आया हूँ इस फोरम से जहाँ पर हम किसी पर ना तनकीद करते हैं ना तारीफ करते हैं। जो कुछ हो रहा है जो कुछ, मेरी बात सुन लेना सर, मैंने आपके सामने मसाइल सर 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 आपने बहुत शुक्रिया, सवाल कर लें और जवाब देने उनको। आपको जवाब सही नहीं लगता तो मैं क्या कर सकता हूँ उनका। सर उन्होंने जवाब जो देना था वो दे दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ बेटा, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ जी जी, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ जी सर जी। बेटा जी, मेरा सवाल अबासी साहब से है कि आप वजीर आजम भी रहे हैं इस मुल्क के, 1857 की एक जंगी आज़ादी लड़ी गई इसी खित्ते में लड़ी गई और वो नाकाम हो गई। उसके गुस्से में अंग्रेज़ ने 1861 और 1860 में पुलिस एक्ट और फौजदारी एक्ट बनाया था। पाकिस्तान में अभी तक 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, लेकिन वो जो अंग्रेज़ ने गुस्से के अंदर आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए बनाया था पुलिस एक्ट, वही नाफिजुल अमल है। और जो 1861 का जो फौजदारी एक्ट है वही नाफिजुल अमल है। अगर बराए नाम कोई उसमें तरमीमात हुई हैं मुशर्रफ दौर में तो वो भी आवाम को तुन के रखने के लिए यूं ही होंगी, कोई अवामी मफाद में नहीं। तो आप सबका वज़ीर आज़म भी हैं और आप मेंबर कौमी असेंबली भी हैं, वही कौमी असेंबली के मेंबर हैं कि जिसके एक दिन के इजलास का खर्चा तकरीबन आप 6 करोड़ रुपये योमिया है। तो आप हमें बताएं कि वो ईवान एक एक फर्द के लिए तो कानून साजी कर लेता है, उजलत में लोगों को उठा के भी लाया जा सकता है कि भाई आज फलां बंदे को कानून की ज़रूरत है उसके लिए बना दें, लेकिन ये जो हमारी कौम है वो वही 225 साल के कानून भुगत रही है, आखिर क्यों? थैंक यू बेटा, सवाल आ गया। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, सवाल खत्म तो होना, जवाब तो आना है। जी जी सर। मेरे भाई पुलिस सर्विस जो है ना, आपके मैंने यही बयान की है, दुनिया में किसी मुल्क में नेशनल पुलिस सर्विस नहीं है। ये जिले और डिवीजन में बनानी चाहिए, वहाँ पर बनाएं तो कौमी असम्बली बंद कर दें तो 6 करोड़ बच जाएंगे। जी असद अली शाह साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखें ये जो सवाल था आपका पुलिस एक्ट का 1860 का, ये बिल्कुल आपका सही सवाल था और यही चीज़ को हम ये बात कर रहे हैं कि हमने अगर आप देखें न सिर्फ 1860 का हमारा 61 का पुलिस एक्ट है, यहाँ पर लीगल माइंड्स भी बैठे हुए हैं, ज़्यादातर हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर, सिविल लॉज सारे के सारे जो हैं वो अंग्रेज़ के ज़माने से आ रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक्चुअली अगर आप देखें ना, हम कानून, हम आइन भी नहीं बना सके। जब पाकिस्तान बना तो इसके क्रिएटर्स उन्होंने आइन नहीं बनाया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट जो है वो चलता रहा इफेक्टिवली, जब तक 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो एक्सेप्टेबल नहीं था, फिर मार्शल लॉ आ गया, ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक जाके बना बड़ी मुश्किल से, बट उसको भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर वो अंग्रेज़ का जो निज़ाम है उसी को हमने ज़्यादातर कॉपी किया है। तो ये तो हमारी नेशनल, यही खाकान अब्बासी साहब यही कह रहे थे ना कि हम जो पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं बदकिस्मती से वो इलेक्टेबल ज़्यादातर होते हैं, हम लोग ही इलेक्ट करके जाते हैं ना, वो हम क्या करते हैं, वो कितने लोग उसमें सोचते हैं कि हमारे लोगों की जो है कानून कैसे रिजॉल्व होगा, वेदर दिस पार्टी और दैट पार्टी जो है ना, कोई भी पार्टी हो, जब तक आप टैलेंट हाई कैलिबर पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे, अपने लोग सही इलेक्ट नहीं करेंगे तो मसले तो वही रहेंगे। ये चीज़ तो हम बात कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? माइक आपका
आपका जो भाई सवाल था बड़ा सवाल में रेलिवेंट सवाल इस लिहाज से भी है कि हमारा जो पाकिस्तान क्रिमिनल कोड है उसके अंदर फॉर एग्जांपल सिडिशन के अभी तक सेक्शन मौजूद है और सिडिशन जो है वो बगावत उसको कहते हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अंग्रेज ने हमारे क्रिमिनल कोड के अंदर वो बगावत का एक सेक्शन डाला उसी कॉलोनियल लेगेसी के साथ हम चल रहे हैं और आज तक हम उस कानून को उस सेक्शन को अपने क्रिमिनल कोड से ख़त्म करने की लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। अब वो लेजिस्लेशन हमारी प्रायोरिटी ज़रा आप देखें कि हम 12 मिनट के अंदर हमने तारीखी लेजिस्लेशन की बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की 12 मिनट हमें वक्त लगा हमने वो कानून पास कर दिया लेकिन हमने जो कवानीन अवाम की फलाह के लिए उसकी तरफ हम कम ही जाते हैं और वही जिक्र भाई साहब ने अपनी तकरीर में भी किया कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हम उस निज़ाम का हिस्सा रहे हमने बहुत करीब से ये देखा मिसिंग पर्सन के ऊपर लॉ बनाया गया वो लॉ ही गायब हो गया तो अब ये अब वो सारी गुफ्तगू है ये सारी वो बातें हैं कि जिनको अब हल करने का वक्त आ चुका है हम इनको मजीद पसे पुश्त नहीं डाल सकते और अगर हम नहीं इन बातों को हल करेंगे एक सिंपल हमने लेजिस्लेशन करनी है हमारा पीनल कोड अपडेट हो सकता है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड अपडेट हो सकता है हमारे टेररिज्म लॉज अपडेट हो सकते हैं मिसिंग पीपल का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है हर चीज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं बट हम उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हम इंटरेस्टेड हैं कि हम सड़कें नालियाँ गलियाँ और असले के लाइसेंस नौकरियाँ ये और वो भी बोझ हम खुद अपने ऊपर लेके आए क्योंकि हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को नहीं चलने देना चाहते उसके लिए हम एज ए क्लास मुखालिफ हैं तो हमें इंटरनली सियासत को भी इम्प्रूव होना होगा ताकि हम लोगों को डिलीवर कर सकें ना कि इसी तरह ही मजीद इजाफ़ करें जी मैडम बात की थी कि हमें अपने माशी हालात को बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट बट मैं देखती हूँ कि किसी ने सर्फ भी बेचनी हो तो उसकी मार्केटिंग करते हैं हमारे लीडर हो अपोजिशन हो गवर्नमेंट हो वो सब एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरे कहते हैं तो कोई बिजनेस करने यहाँ क्यों आएगा वॉट इज़ द वे टू आप अपने आप को बाहर कैसे प्रमोट करें अपना सॉफ्ट इमेज कैसे बनाएँ जब आपके जो बाख्तियार लोग हैं वो आपका ये इमेज बिल्ड कर रहे हैं यहूदियों के लिए हम कहते हैं कि वो अच्छे बिजनेसमैन हैं जापानी वो हैं हमारा नेशनल कैरेक्टर आप क्या पोर्ट्रेट कर रहे हैं वट एवर इट इज़ रियलिटी और परसेप्शन माइट बी डिफरेंट सेकेंडली आपने बात की कि असेंबलीज और इन सब की बहुत ज़रूरत है मगर आई एम नॉट अ वेरी पढ़ी लिखी खातून तो मेरे जहन में आ रहा था कि हमारे मुल्क में मज़ारे ज़्यादा हैं या ज़िम्मेदार इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा हैं या मजदूर असेंबली में कौन बैठा हुआ है हाउ आर दे आवर रिप्रेजेंटेटिव वो अपने फ़ायदे की बात करेंगे हमारे फ़ायदे की बात क्यों करेंगे और जो सबसे बड़ी बात आप लोगों को इकॉनमी में फ़र्क लग रहा है उसमें लग रहा है मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा फ़र्क मॉरल कैरेक्टर में आया है कैरेक्टर बिल्डिंग पर कोई बात नहीं करता आप जितने मर्जी सिस्टम बदल लें जब तक यू डोंट चेंज द माइंड बिहाइंड द सिस्टम कुछ नहीं हो सकता और उसमें कहने से कुछ नहीं होगा बच्चे समझदार हैं आप उसको कहें सच बोलो ईमानदारी पे चलो वो देखता है जो बेईमानी कर रहा है वो डाले में जा रहा है वो क्यों करेगा तो ये सोसाइटी हैज़ टू अप्रिशिएट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप गरीब लोगों की भी इज्जत थी एहतराम था नाउ आई डोंट सी दैट तो जब तक माशरा उन वैल्यूज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा जो अच्छी हैं हम कहीं नहीं जा सकते और कोई बिजनेस कोई मुल्क इस तरह नहीं चल सकता बार बार ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र किया लोगों ने इत्तफाक से मुझे वहाँ रहने का मौका मिला तो द बिग डिफरेंस विच आई फील इज़ कि उनके यहाँ इतनी डिस्पैरिटी नहीं है उनका नेशनलिज्म इज़ वे हायर देन अस और वो उसको अपने हीरोज को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है और उनको अप्रिशिएट करते हैं हम अपने मुल्क में किसी को हीरो रहने ही नहीं देते उसको टांग खींच के नीचे लाओ उसमें ये बुराई है उसमें वो बुराई है थोड़ी सी तारीफ करना भी सीखी बहुत शुक्रिया मैडम बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर योर इंटरवेंशन जी बेटा अस्सलाम वालेकुम वजाहत अली आई हैड रिसेंटली कंप्लीटेड माय एमफिल फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी मेरा प्लीज क्वेश्चन है ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर से जैसे आपने फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी तो अभी जिस तरह अभी पाकिस्तान में जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने बात की थी अपने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में जी इकोनॉमिक्स की तो अब ठीक है जो प्रॉब्लम्स रहे वो तो प्रॉब्लम्स थे आपने कहा जैसे अब हमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज और सॉल्यूशंस की तरफ जाना है
तो एज अ यंगस्टर आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे, बिकॉज वी हैव अ 30 to 40 ईयर्स लाइफ, तो उसके लिए प्लीज क्या आप सजेशन करेंगे ताकि हम पीसफुली उस चीज की तरफ जा सके। थैंक यू। मेरा थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा दोहरा दो, फिर से समझेंगे। मैं भी नहीं समझा, थोड़ा सा माइक को और करीब कर लें। एक्चुअली इट्स अबाउट जी, उसमें ये था जैसे आपने फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बात की ना, कि बिकॉज के हम लोग अब जिस तरह हर साइड से क्लोज हो चुके हैं, तो लास्ट गवर्नमेंट ने बात की थी जियो इकोनॉमिक्स की, तो अब आप हमें किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि उस चीज की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि अगर लड़ाई रहेगी तो उसमें तो कोई सलूशन नहीं। सवाल आ गया, ठीक, थैंक यू। किस तरह पाकिस्तान जाना चाहिए सर, आप सवाल आपका कि वेयर शुड पाकिस्तान गो सो दैट यू नो दीस गाइस कैन हैव अ गुड लाइफ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल ट्रेड, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फिर लोग आते हैं। इन्वेस्टमेंट मुल्क में होगी तो काम आगे चलेगा। अब आपका अपना इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो उनसे कैसे करेंगे? आपको माहौल क्रिएट करना पड़ता है, आपको ताल्लुकात क्रिएट करने पड़ते हैं, जुडिशियल निज़ाम होना चाहिए जो प्रोटेक्शन दे सके इन्वेस्टर को। ये मैंने इसीलिए कहा सब चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जी इफ्तिखार बोल रहा हूँ, मैं कराची की बिजनेस कम्यूनिटी से मेरा ताल्लुक है। मैंने आपके वहाँ के सेमिनार में भी शिरकत की थी और यहाँ भी मैंने आज देखा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क था, वो मैं आपने थोड़ा सा कॉमेंट करना चाहूँगा। कराची की जो आपकी जो थी जो इवेंट, उसमें बहुत ज़्यादा कराची की सिविल सोसाइटी ने बड़ी शिरकत की थी, और मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं लाहौर को इतना लोगों को पहचानता नहीं, मुझे लेकिन लग रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि शायद इतनी सिविल सोसाइटी आज यहाँ नहीं मौजूद है जितनी होनी चाहिए थी। मेरा एक पहला कॉमेंट है। दूसरा सवाल है, सवाल ये है कि जी, जो मैंने आपको वहाँ भी सुना और यहाँ भी मैं सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी तल्खोशीरी सारी बातें होती हैं और काफ़ी लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है, तो आप जो ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान है, इसका फ्यूचर क्या आप हमें बताएं कि आपका असल तो नहीं, मतलब आपकी जो नीयत तो हमें नज़र आ रही है कि आप पाकिस्तान में बेहतरी चाहते हैं, तो क्या आपका कोई ऐसा क्या इरादा के आगे, तो थोड़ा सा आप हमें गाइड करें ताकि हम भी देखें। एक पोटेंशियल तो है कि जितनी भी सियासी जमातों के कुछ अच्छे लोग आगे बढ़ के कुछ देखें, क्योंकि आप जो मौजूदा जमातें उनसे आवाम बहुत मायूस है, और लास्ट रिजॉर्ट कह रहे हैं कि जो भी इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो एक सामने है, अजहर में शम्स है, तो मुझे आप ये थोड़ा सा बताएं कि हमें अच्छे लोग चाहिए, जो एक पोटेंशियल जो एक गैप है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो आगे बढ़े और हमें गाइड भी करें, तो हम उनका डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। थैंक यू बड़ा साहब, आपका सवाल आ गया जी। मुस्तफा आप जवाब दें, खुद सवाल दो। मुस्तफा आप जवाब दें कि आपका क्या इरादा है। जी हाँ जी, जी ऑफ कोर्स देखिए, अभी इस वक्त तो इतना हमारी इंटेंशन क्लियर है कि एटलीस्ट लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है, जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को अप्रिशिएट करना है, कि वो तो एटलीस्ट हो। आप अपना मीडिया उठा कर देखेंगे सुबह से शाम तक, उसके ऊपर आपको सिर्फ लड़ाई और झगड़ा और एक दूसरे को गाली देना नजर आएगा, इसके अलावा कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रही। जो बयानिया है उसको मुंतकिल होना है लोगों के इश्यूज की जानेब, लोगों की रोजमर्रा मुश्किलात की जानेब। और अब हम कल हम शाम में लाहौर में थे, अभी हम मैं वैसे रात को सोच रहा था कि बैठ के कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग इंसान करता है, कुछ देखता रहता है चीज़ों को, अचानक एक दोस्त का फोन आया, आपने टीवी देखा, मैंने कहा क्या हुआ, कहते बस पिछले 2 घंटे से चल रहा है जो परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर पुलिस ने धावा बोल दिया और गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और ये हो गया वो हो गया। मैं कहा अच्छा 2 घंटे से चल रहा था। ठीक, द पॉइंट इज कि हम कितने उलझ गए हैं अपनी इस आपस की लड़ाइयों के अंदर, कि हम बिल्कुल ही उस सियासत का जो असल मकसद है उससे दूर हो गए। अब जो सॉल्यूशंस हम बैठ के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हम अतले कुल नहीं हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें